जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई एम व्लॉगिंग टुडे बिकॉज आई थॉट के आज का दिन व्लॉग होना बनता है लिटरली, बिकॉज टुडे सी व्हाट आई गॉट। सो इसकी एक बहुत लंबी स्टोरी है, बट फाइनली आई गॉट दिस। सो आई बॉट एन आईफोन फाइनली, जो मैं सालों से सोच रही थी वो मैंने आज ले लिया है खुद से। एंड इट वॉज लाइक के लेने में भी इतना लाइक ट्रबल हुआ है ना मुझे ऑफलाइन, क्योंकि सर्च किया यहाँ पे शॉप्स पे किसी पे भी अवेलेबल नहीं था। देन हमने ऑनलाइन सर्च किया तो जो चाहिए था वो अवेलेबल नहीं था। फाइनली जाके जब हमें मिला एक जगह से ऑनलाइन, तो इतनी मगजमारी हुई डिलीवरी में। लाइक 27 की डिलीवरी थी और आज 31 है, एंड आई एम लाइक कि मुझे मिलेगी भी या नहीं डिलीवरी वो पता नहीं, बिकॉज कल 1 को मैं यहाँ से सूरत से निकल रही हूँ। सो आई एम लीविंग सूरत टुमारो, एंड इट वॉज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि उससे पहले मेरे पास फ़ोन आ जाए। बट इन लोगों ने इतना रुलाया कस्टमर केयर में, इतना फ़ोन किया, बट सीरियसली कोई ढंग का रिस्पॉन्स ही नहीं, आ जाएगा। बहुत सारी मगजमारी हुई, बट फाइनली आई एम रियली ग्लैड कि कल जाने से मेरे पहले मेरे हाथ में फ़ोन आ चुका है और अभी तक मैंने खोला भी नहीं। आई एम वेरी मच एक्साइटेड, बट मैंने सोचा कि ये तो ब्लॉग करना बनता है। सो यस, अभी फाइनली वेट इज़ ओवर, सो मैं अभी इसे ओपन करती हूँ। सीरियसली मैं इतने सालों से सोच रही थी ना आईफोन लेने की, बट और मेरा भाई मुझे एक्चुअली लिवा रहा था, मुझे गिफ्ट करने की भी सोच रहे थे, बट मैंने कहा कि नहीं, आईफोन लूंगी तो वो मैं ही लूंगी खुद से, तब तक मैं नहीं लूंगी जब तक मैं खुद नहीं लेवा। एंड फाइनली सो जो प्रॉब्लम हो रही थी वो ये थी कि मुझे ब्लैक कलर में चाहिए था, वो दुकानों पे अवेलेबल नहीं था, वहां पे ग्रीन ब्लू कलर्स थे बट मुझे ब्लैक में चाहिए था। दूसरी बात, मुझे 256 GB चाहिए था तो वो अवेलेबल नहीं था। काफी कुछ चीजें थी जो शॉप्स पे अवेलेबल नहीं थी, इवन ऑनलाइन भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, वो तो अभी भी आई मुझे। बट इन द एंड कल मेरे निकलने से पहले सूरत से फोन मेरे हाथ में है, दैट्स व्हाट मैटर्स। अब मैं सारा चीज, एक्चुअली मैं इसका चार्जर भी पहले ही ले आई, फोन आने से पहले मैं इसका चार्जर ले आई। सो या आई वॉज क्वाइट होपफुल कि नहीं आ जाएगा मेरे जाने से पहले, एंड फाइनली आ गया। सो इट्स आईफोन 13 256 GB इन ब्लैक कलर, कैन सी। सीरियसली इतना वेट किया और इतना कुछ किया है ना, ये फोन टाइम पे आ जाए उसके लिए, बट ये सब जब आ गया ना आई एम वेरी हैप्पी। एंड अब बस ये चालू करके देख रही हूँ सब कुछ चीजें, अभी तो डेटा ट्रांसफर एंड काफी कुछ करना है, बट द थिंग इज अभी टाइम नहीं है बिकॉज अभी भी मुझे बाहर जाना है और थोड़ा बहुत मेरी एक्चुअली शॉपिंग बाकी है। बस यही, इसे फोन को सेट करना है, इसका कवर भी लेने जाना है और अभी मुझे और भी काफी सारे काम है जिसके लिए मुझे अभी शायद जाना है, वही सब अभी तो प्लान कर रही हूँ। तो फोन तो बस मैंने ओपन कर लिया, देख लिया, तसल्ली हो गई, अब बस दूसरे कामों में मैं लगूंगी। एंड रियली आई एम वेरी हैप्पी, सो आई थॉट कि ये व्लॉग मैं आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर करूंगी। और अभी तो मुझे देखना भी है कि ये लाइक इसके फीचर्स, इसके फंक्शंस कैसे होंगे, बिकॉज मैंने आईफोन यूज नहीं किया है अब तक। सो या मुझे काफी कुछ अभी इसमें सीखना भी होगा। सो यस, लेट्स सी। कंप्लीट हो गया यार, लाइक मैं हंस रही थी, यूज फेस आईडी विद द मास्क। सो मैं अभी फोन जस्ट स्टार्ट कर रही हूँ और जब उसने फेस अनलॉक मांगा मेरी हंसी नहीं रुकी और उसने वैसा ही मेरा फेस आईडी रिकॉग्नाइज कर ली। अब शायद जब तक मैं हंसूंगी नहीं तब तक अनलॉक नहीं होगा शायद, आई डोंट नो।
आगे क्या करना है इसमें? हेलो जी, इट्स नेक्स्ट डे एंड आज सुबह से भी मैंने व्लॉग किया था, बट द थिंग इज वो मैंने आईफोन में व्लॉग किया था और मैं भूल गई थी कि अभी तक वो मैंने लैपटॉप में काफी अभी कॉम्प्लिकेशंस है, तो आई डोंट नो कि वो मैं क्लिप्स ले पाऊंगी या नहीं. सो या इट्स द नेक्स्ट डे, रात हो चुकी है. सो आज मैं गई थी आईफोन का कवर लेने, स्क्रीन गार्ड लगाने, एवरीथिंग और बहुत कुछ. आज का दिन एक्चुअली बहुत ज़्यादा वियर्ड था लिटरली मेरे लिए, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है सुबह से. आई वॉज लिटरली पैनिकिंग आज सुबह से, क्योंकि पैकिंग करनी थी. आज हुआ ये कि आज रात की, आज फर्स्ट है, सो आज रात की मेरी ट्रेन थी जो ड्यू टू सम रीजन्स कैंसिल कराना पड़ा मुझे, बट वो भी दिन में. तो दिन तक मैं पैनिक में थी कि ओ गॉड पैकिंग करनी है एंड ऑल दैट, मैं कर भी रही थी. फिर एक दो घंटा मुझे कवर लेने जाने में लगा, बाकी सब और भी काफी सामान लेना था, तो गॉड वही सब किया. बट यस, अब ये है कि आईफोन का चक्कर थोड़ा सेट हो गया है, मेरे को भी थोड़ा चलाने में हाथ बैठ गया है. तो यस, वो बहुत जरूरी था, वरना मैं ये भी सोच रही थी कि जाने से पहले मैं ऐसा ना हो कि सीख ही रही हूँ आईफोन, बट नहीं, अब ऐसा नहीं है. तो यस, यही अपडेट थी एंड मैं आपको कवर भी दिखाती हूँ आईफोन का. सो दिस इज माई कवर जो मैंने ये वाला लिया. एक्चुअली कवर लेने में मैं बहुत कन्फ्यूज हो रही थी, यू वोंट बिलीव. मैंने कम से कम 6-7 दुकानें वहाँ पे देखी होंगी, क्योंकि वो एक पूरा हब है. तो मैंने कवर लिया, फिर इस पर स्क्रीन गार्ड वो ग्लास लगवाया एंड देन पीछे यहाँ पे जो लेमिनेशन होती है वो कराई फोन पे एंड देन कवर. सो यस, यही सब चल रहा था आज और बहुत देर लग गई मुझे इसमें भी. एंड जबकि अभी भी इसमें ई सिम मैंने स्टार्ट नहीं करवाया है, तो वो भी अभी पेंडिंग है. बट मैं सोच रही हूँ वो अभी बाद में ही करवाऊंगी, क्योंकि उसका मुझे इतना काम नहीं होता. तो यस, दिस वॉज द अपडेट एंड आई थॉट ये चीज़ मुझे ब्लॉग करनी ही है, मैंने सोच के रखा था कि मैं करूँगी. सो यस, नाउ आई एम एंडिंग द व्लॉग, दिस व्लॉग. एंड आई नो मैं बहुत टाइम बाद कुछ अपलोड कर रही हूँ अपने चैनल पे. आई नो आई एम नॉट रेगुलर, सो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स में डांट सकते हो आराम से, सो डैट मुझे हो के नहीं आई हैव टू अपलोड वीडियोज. सो यस, डैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो. आई होप यू गाइज एन्जॉयड इट एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस व्लॉग एंड फोन ऑल्सो. सो यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, शेयर. आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम सून. बाय.